1826 चार्ल्स मैसन इंडिया ट्रेवलिंग करते समय पंजाब प्रांत में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अनजान प्राचीन शहर के खंडहर मिलते हैं। इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये खंडहर कितने पुराने हैं और ये किसके हैं। क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का शौक था तो उस पर डॉक्यूमेंट्री करते हैं और प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही। दुनिया इस बात से बेखबर थी कि चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला। आगे चल के बहुत से लोगों ने इस टीले की यात्रा की, लेकिन ये इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंसी को नहीं समझ पाए। 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की यात्रा की, लेकिन वो इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंसी को नहीं समझ पाए। 1856 में ब्रिटेन बंधुओं ने ना सिर्फ इस टीले की यात्रा की, बल्कि इससे प्राप्त ईंटों का इस्तेमाल रेलवे पटरी बिछाने में किया। 1872 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुनः इस टीले की यात्रा की। इस बार उन्हें कुछ उपकरण भी मिले, जैसे आकृति नुमा मटके मिले, कुछ मुहरें मिली, लेकिन फिर भी ये इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंसी को नहीं समझ पाए। करीब 50 साल के बाद 1920 में एसआई के डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं जॉन मॉर्सल। उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हड़प्पा के खंडरों का सर्वे और 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा शहर की खुदाई की गई और पता चला कि ये 5000 वर्ष पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज होती है, जहां पर ढेरों की संख्या में इंसानों की हड्डियां पाई जाती हैं। उसको नाम दिया जाता है मोहनजोदाड़ो, द माउंट ऑफ डेथ। ऐसे ही बहुत सारे पुराने शहरों की खोज होती है। चूंकि ये सारे शहर इंडस नदी के किनारे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है और इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन है, भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता है ये। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद।